हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। दिस इज सिचुएटेड इन हरियाणा एंड आपका स्वागत है एक बार फिर से द कॉलेज रियलिटी शो के अंदर इन CUET कॉलेज रियलिटी शो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज द जगन्नाथ यूनिवर्सिटी एंड जस्ट कौन सी जगह है, BHDURN हरियाणा डॉट डॉट जो भी हो, ये एक प्राइवेट टाइप यूनिवर्सिटी है एंड दिस इज ओपन इन मई 2013 के अंदर ओपन हुई है ये एंड जस्ट हरियाणा स्टेट जो भी है इनका विधानसभा क्या बोलते हैं इसको 2013 के अंदर एक्ट नंबर 8 के अंदर एंड दिस इज अप्रूव्ड अंडर द सेक्शन ऑफ 22 UGC एक्ट 1956। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या इसका सीन है, कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, क्या ये फ्रॉड है, क्या कितना प्लेसमेंट होता है, स्टूडेंट की लाइफ कैसी है, स्टूडेंट का रिव्यू क्या है और कितना कैंपस है, हरियाली यहाँ पे है कि नहीं है, राइट। सो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में हम आज अपन। पहले हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं। दिस इज प्रोवाइडिंग UG कोर्सेज एंड PG कोर्सेज एंड अगर अपन इसके कुछ कोर्सेज की बात करें जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट है, लॉ है, जर्नलिज्म है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है एंड फैकल्टी ऑफ साइंस है, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज है, मेडिकल एंड अलाइंट हेल्थ एजुकेशन वगैरह कुछ कुछ प्रोवाइड करती है ये। ओके, आगे कुछ जो स्टूडेंट से क्या रिव्यूज मिले हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं कुछ, राइट। सो और इसके एवरेज प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी थी मेरे पास, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो है इसका क्या सारा सीन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो यार जो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, दिस इज नॉट एक्सीलेंट, नॉट गुड एंड नॉट वेरी बैड, जस्ट लाइक नॉर्मल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड इट ऑलमोस्ट जो है। टीचर्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि भैया जो है बहुत सारे टीचर जो है दो दो तीन तीन सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं एंड दिस इज नॉट सपोर्टिव, राइट। जो उनका मेन मोटिव यही होता है कि अपना काम एकेडमिक सिलेबस कम्प्लीट हुआ और बस अपना काम ख़त्म निकलो यहाँ से, राइट। सो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। अगर अपन इस कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ की अगर अपन बात करें तो जस्ट जो यहाँ पे जो रिव्यूज़ मिले हैं, राइट, सो प्लेसमेंट आर ऑलमोस्ट गुड एंड मेनी मेनी कंपनीज विजिट एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट नॉर्मल एंड द फैसिलिटीज आर ऑलमोस्ट फाइन एंड द कैंटीन इज गुड एंड देर आर ऑलमोस्ट बहुत कम प्रॉब्लम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्लासरूम आर प्रोवाइड गुड क्लीन एंड जस्ट लाइक AC क्लासरूम्स एंड वेल जस्ट लाइक इक्विपमेंट्स एंड वाईफाई इनेबल कैंपस, राइट। वाईफाई की तो ज़रूरत होती है इस जनरेशन के अंदर। फैकल्टी की अगर अपन बात करें तो दिस इज ऑलमोस्ट सपोर्टिव एंड द कॉलेज फैकल्टी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वारी था कि भैया प्लेसमेंट बहुत कम होता है यहाँ पे, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट इससे डिससेटिस्फाइड है कि हम जो है इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते एंड जो यहाँ पे कुछ कंपनीज बहुत कम विजिट करती है और कॉलेज का मेन मोटिव ये जस्ट लाइक फीस ज़्यादा हो के प्लेसमेंट बहुत कम होता है, राइट। एंड अगर इसके अपन जस्ट लाइक प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो जस्ट जो है आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आप जो है इसकी वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हो, इसकी वेबसाइट जगन्नाथ यूनिवर्सिटी NCR.ac.in है, तो उस पे जा कर के आप चेक कर सकते हो कि क्या प्लेसमेंट का क्या सारा चेन रहा है इनका। तो जस्ट अगर अपन इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इनके जो है यहाँ पे रिसीव होती नहीं है कि कहाँ पे जो है कितना प्लेसमेंट गया है, कब नहीं गया है। तो इसका जनरली मेन यही निकलता है कि जो है जो कॉलेज यार प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो उसको जो है बेसिकली अच्छा कॉलेज कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड इसने जो है कुछ अपनी वेबसाइट पे कंपनीज डाल रखी है जहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं ये लोग, जैसे IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, देन ICICI बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस LIC है, देन HDFC लाइफ है, टाटा BSS है, AM इंडिया है, फ्यूचर ग्रुप है एंड यार ये तो जस्ट BSE में भी इंटर्नशिप देते हो क्या भाई, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरव्यू एयर एंड मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन बैंक, राइट। एंड इसके ने आई थिंक जो है
इन प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इसने ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि यहाँ से इतना प्लेसमेंट गया, हाईएस्ट इतना नॉर्मल गया है, एंड कुछ आउटरीच प्रोग्राम ऐसे कुछ भी इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने वेबसाइट पे। और यहाँ पे आई थिंक आपको सबसे जो है ज़्यादा वही देखने को मिल रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन और पे ऑनलाइन फ़ीस, राइट। तो ये प्राइवेट वालों का यही सिस्टम होता है कि फ़ीस लेना, एडमिशन करना, और इनको जो है और कुछ स्टूडेंट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अगर इसको अपन आउट ऑफ 10 आउट ऑफ मार्क्स अगर दें तो हम सिर्फ इसको 3 नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने कोई भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रखी है। तो जो हम यही कंसिडर करके चलेंगे कि यहाँ से कोई भी प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहिए। और अगर अपन वैसे इसकी डेस्टिनेशन की बात करें तो डेस्टिनेशन इज गुड, एंड इसने कुछ MOUs भी डाल रखे हैं, जैसे NIIT टेक्नोलॉजीज है, NIIT है, एंड JNUB मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एजुकेशन है, राइट। तो जस्ट इसकी वेबसाइट पे दे सकते हो, एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ पोटेंशियल है। एंड हम किसी भी, यार हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता कि हम किसी भी कॉलेज की रेपुटेशन को गिराएं या फिर कुछ अदर। तो जस्ट आप जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, एंड वेबसाइट से तो क्या ही करोगे, आप डायरेक्टली फिजिकली कॉलेज में विजिट करिए, देखिए क्या सारा सीन है, कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, सीनियर से मिलिए जाके, क्या सारा सीन रहा है। 2013 में कॉलेज ओपन हुआ है, दिस इज न्यू टाइप, आप समझ सकते हो। तो जस्ट अगर आप आसपास रहते हैं देन यू कैन कॉन्टेक्ट नाउ। और बेसिकली यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो जो है लोकल बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और बेसिकली बाहर वगैरह से बहुत कम बच्चे आते हैं ऐसे कॉलेजों में। और जस्ट जिन कॉलेजों के एडमिशन वगैरह ऑलमोस्ट सीटें भरती नहीं है, तो वैसे कॉलेजों ने इस बार CUET में भी पार्टिसिपेट कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होगी इनके चक्कर में। तो जस्ट आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा मिशन CSE कंप्यूटर साइंस डिजायर ब्रांच काउंसलिंग प्रोग्राम इज रनिंग। तो उसके लिए आप जो है नीचे काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी जो टीम है आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच गाइज, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।